पर यूपी के साथ ही हरियाणा में भी आज पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा चल रही है। इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हरियाणा के 3 जिलों में कुल 84 केंद्रों पर परीक्षा होगी, जिसमें 24,000 कैंडिडेट शामिल होंगे। इनमें 19,822 पुरुष हैं और 4,181 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा के कड़े प्रबंध हैं। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश करते वक्त अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग की जाएगी और बायोमेट्रिक के जरिए ही इनका प्रवेश होगा। हरियाणा के 3 जिलों में सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें पुरुष कांस्टेबल की लिखित परीक्षा के लिए कुरुक्षेत्र और करनाल में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि महिला कांस्टेबल के लिए पंचकुला एग्जाम सेंटर तय किए गए हैं। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा केंद्रों तक आने जाने के लिए हरियाणा परिवहन के बसों में इन्हें मुफ्त सेवा मिलेगी आने जाने की। तो हरियाणा में इस वक्त परीक्षा जो होने जा रहे हैं पुलिस भर्ती की, उसमें भी कड़े प्रबंध किए गए हैं, ठीक उत्तर प्रदेश की तरह।